हाँ जी, क्या हाल चाल? सत श्री अकाल जी, सलाम नमस्ते प्यार भरी सत श्री अकाल। फिर से यार आज ना मैं अभी थोड़ा सा मेरा काम था, मैंने कहा चल मैं स्कूटी को ले जाता। वो ना स्कूटी का मैंने आप लोगों को बताया ना फ्रंट से वो टेढ़ा ही हो गया उसका, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया यार, मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। वो उसने उस दिन जेमी को मैंने खड़ा किया था ना फूलों वाली दुकान के पास, तो मैं तो फूल ले रहा था, कोई लड़की उसको ठोक के चली थी, वो पूरा टेढ़ा हो गया आगे से। तब जब मैं चलाता हूँ ना तो गड़ 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 आवाज़ आती है और ब्रेक भी इसके कम लग रहा है, तो मैंने कहा चल मैं आज थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं काम कर लूँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं मम्मी को मुझे पार्लर भी छोड़ना है, जेनू बोल रही है अपनी सास को, कहती मेरी सास को पार्लर लेके जाओ। तो यार अभी पिंड का गाँव का माहौल आपको पता ही है, तो मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ाऊँगा। तो मैंने बोला मैं एक घंटे तक मम्मी को पार्लर छोड़ाऊँगा, तो पहले मैं ये करवा लूँ, फिर मम्मी को ऑटो में लेके जाऊंगा या फिर गाड़ी में लेके जाऊंगा, जहां मैं भी क्योंकि अभी ट्रैफिक होगा तो मैं ऑटो में ही लेके जाऊंगा, तो मम्मी को ले जाऊंगा मैं पार्लर। अभी फ़िलहाल मैं अपने आप जाने मन को ठीक करवा लूँ ऑटो मेरी एक्टिवा, जो मेरा हर टाइम हमारा साथ देती है, यू नो ट्रैफिक छोटे छोटे इतने ट्रैफिक से ये हमें निकालती रहती है, तो इसका भी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ऑयल वगैरह जो भी है सब ठीक करवा लूँगा। ये देखो गाइस, ये इसका ना ऐसे मार के चली गई, और मैंने जे को बोला कि तूने क्यों नहीं बोला मुझे उसी टाइम, कहती नहीं मैं बोली थी कहती उसको, लेकिन उसने ध्यान मतलब इग्नोर करके चली गई, बोला ऐसी होती है। मैं यार क्या ही बोलूँ अब, ये देखो ये टायर पर ना पूरा घिस रहा है ये, तो अभी इसको सीधा करवाऊँगा और ब्रेक ट्यूब भी ठीक करवा लूँगा, थोड़े से लूज है इसके ब्रेक, बाकी देखते हैं वो कितना टाइम लेता है इसका ठीक। वो भाई बोल रहा है कि ये वाला भी इसका चेंज करने वाला, थोड़ा सा पता नहीं उसमें ऑयल निकल रहा है, अभी इंजन ऑयल चेक कर रहा है। काम कम नहीं होता भाई, काम पड़ता ही रहता मेरा तो, क्या ही बोले। स्कूटी तो मैं दे आया यार ठीक करने के लिए, काफी उसका काम कराना बाकी था, तभी भाई ब्रेक थोड़े से कम लग रहे थे उसके, तो जब मुझे बोलती थी अभी तुम ब्रेक ठीक नहीं करा रहे, तो मैं तो चला लेता, लेकिन मेरी जब मेरी जाने मन पीछे बैठी होती तो मुझे टेंशन हो जाती है। तो अभी तो मैंने स्कूटी दे आया, वो देगा मुझे शाम को 7 बजे। चलो एक से एक तो जिम्मेदारी मैं निभा दिया, अभी रह गया मम्मी का। यार मम्मी को तो मैंने छोड़ दिया पार्लर, क्योंकि जेनू पीछे पड़ी हुई थी कि मेरी सास को लेकर जाओ पार्लर, मेरी सास को लेकर जाओ पार्लर, तो मम्मी को तो मैंने पार्लर छोड़ दिया। अब मुझे थोड़ा दो दिन और काम है, मैं वो कर लूँ क्या, मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है यार, सबसे आज एक्टिवा की इतनी याद पानी की बात, वैसे तो ऑटो में घूमते रहते लेकिन एक्टिवा होता ना तो मैं इधर उधर उधर कहीं कर करके सारे काम हो जाते मेरे। अभी और दो काम, फिर मिठाई भी देना है मुझे, बाप रे बाप सही टाइम पे हो जाएगा, कितना टाइम है मुझे नहीं पता। सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल, आप लोग सब कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, शाम का चाय गणपति बापा के लिए। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। अब बोलो क्या बोला जा रही हो? मैं ये बोल रही थी हम कब आए साथ में, तो आज हम साथ में हैं। अभी तो आए सुबह से अभी आए हैं। हाँ, तो हमने शाम का जो स्नैक टाइम है बप्पा को ब्रेड बटर और जैम साथ में दिया है और चाय, और अभी लवी भी मांग रहा है चाय, जो इसका जो ये आइस का इशारे है ना सब पता लग जाता है,
चाहे नहीं गाइज, मैं अभी कितना काम कर रहा हूँ, अभी मैंने बहुत काम कर रही हूँ। मैं नहा के तो गया ही हुआ था, मैं आके फटाफट अपने हाथ पैर धोए और कुर्ता पहना, अभी जींस पहना। तो अभी शाम का टाइम हो गया तो मैंने कहा चल आरती से पहले मैं रेडी हो जाता। शायद आज भी बस मिलने हम मतलब बिल्डिंग के कुछ लोग आ जाए, इसीलिए मैंने लवी को बोला, मैंने कहा रेडी होके बैठा कर, क्योंकि वो आते हैं हमेशा। उनको पता होता है कि 4 दिन के बाद वो हमेशा आ जाते हैं, तो इसलिए हम भी रेडी होना बहुत जरूरी है। गेस्ट जब भी कोई आता तो अच्छे से हमें भी तो रेडी रहना चाहिए ना। और दूसरी बात ये, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पहले रेडी होके बैठा था, कुछ भी पहन के निकल गया। जब मैंने देखा इसको, वो मेरे काम थे, अभी मेरा काम हो गए, अभी एक काम रह गया वो मैं कर लूंगा। हाँ, तो अभी मैं चाय बनाती हूँ, चाय पिएगा अभी या नहीं? हाँ, देखा मुझे पता था। और अभी टाइम नहीं है, वैसे मैं चाहता हूँ मैं ले ही आऊँ, लेट ना हो जो करना ही करो यार। एक तो मैंने इसको कल से बोल दिया था, मैंने कहा लोग आने लग जाएंगे, मेरे पास मिठाई खत्म हो चुकी है, कल मिठाई खत्म हो गई थी, ले आना। फिर भी मैं ऑटो में, मैंने कल ही बोला था तेरे को, परसों ही बोल दिया था, फिर कल भी बोला था मैंने। एक मैं अकेला यार इतना भागने और काम करूं। हाँ, और मैं यहाँ पे घर पे में तो मेरे 10 हाथ है ना, एक नहीं 10 हाथ फिर भी मैं दो हाथ तो इसके एक्स्ट्रा बन जाता ना तेरे बाहर से, तेरे वाले तो नहीं काम, अपने बाहर वाले काम नहीं कराता तेरे से। हाँ, तू भी बोलती है, जो तुम्हारे काम है तुम ही करोगी ना, मैं थोड़ा कप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया कूल डाउन। चलो गाइस, मैं अभी थोड़ा सा कप्पा क्या थोड़ा सा क्या बोलना क्या चाह रहा है बोलना क्या चाह रहा है कुछ नहीं है। तुम थोड़ा शर्म करो। काहे की नहीं शर्म करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे शर्म किस बात के लिए करनी है ये तो बताओ। मैं नहीं बोल सकती, तुम्हें सब पता है मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, ये उस चीज के लिए तो शर्म है ही, मैंने कब बोला। गाइज, आज तो इसने मेरी मांग भरी पता है, और मैंने इसको बोला था। अच्छा भरा, देख तो सही। हाँ, ये क्या, ये तूने मेरी मांग नहीं भरी। अरे मजाक कर रहा हूँ, चल आज मैं तेरी मांग भर लेती हूँ। सच में चल, आ जा आज, तो आ जा भर ही दे, चल जा भर दे। बप्पा जी को पता क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, जब पति अपनी मांग पत्नी की मांग भर सकता है तो पत्नी क्या टीका नहीं लगा सकती। नहीं, उसने राजकुमार राव ने भी तो अपनी मांग भरी ना, वो एक्टर ने। हाँ, तो आजकल ट्रेंड है। बप्पा जी को आशीर्वाद लेके बप्पा जी का मेरे मांग भरेगी। हाँ, मैं सदा इधर जनू इधर। हाँ, नहीं इधर मांग नहीं यार जेनू, तो टीका हुआ ना मेरे तो ना जेनू, अच्छा नहीं लगा, भरो तुम इधर, ये भी मांग भरना ही ऐसा होता, तू लगा चीटर कोक चीटिंग कर रहा है, मांग बोल के तो तिलक लगा रहा है, तो तिलक हुआ ना, तो तिलक ही मांग ही है ना, ड्राई हो गया थोड़ा। अब और कितना लगाएगी, आके बंद कर जेनू, तू मेरा है। सच्ची में वर्दी क्या? हाँ। अरे मुझे मार्केट जाना क्या है यार, जुलूस निकालोगी मेरा? चल मैं तेरे नाम नहीं भर सकती हूँ, तू नहीं भर सकता। तो हाँ, तो तुम बन जा मेरी पत्नी, मैं तेरा पत्नी बन जाता, तू मेरी पति बन जा, ऐसे नहीं करना है, जो रिश्ता जुड़ गया सब जुड़ गया। नहीं, राजकुमार राव ने भी भरा था अपनी मांग। ये क्या है यार, ये क्या सिस्टम है यार दुनिया। ओके जी, सत श्रीकाल जी, भाजी बस जा ही रहा है, और कब से जा ही रहा है, बस जा ही रहा है, बस हुनी बस गया। जस्ट 5 मिनट हो गए, आ गया। हेलो, हाँ जी, ठीक है, फिर वो पेडिक्योर मैनिक्योर कर दो उनके ना, मतलब नेल पॉलिश लगा दो। एट लास्ट वो नीचे गया मिठाई लाने, ने तो वो कल से लेके आ रहा था, आई मीन सॉरी परसों से लेके आ रहा था, लेकिन वो नहीं ला पाया उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। आज तो वो गया, और मेरे पाँव इतने सूजे हुए हैं, तभी मैं थोड़ा बैठी हूँ। मम्मी तो अभी पार्लर में ही है, फ़ोन आ गया था, बट उन्होंने पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं किया, तो हमने वो बोल दिया वो उसको सलोन में कि आप पेडिक्योर मैनिक्योर भी कर लो, क्योंकि उनके ना हैंड्स वगैरह काफ़ी ड्राई हो रखे, तो पेडिक्योर मैनिक्योर
वो कर लेंगी, फिर वो फ्री हो जाएंगी, फिर वो आ जाएंगी घर पे, तो तब हम लोग फिर आरती कर लेंगे सब साथ में मिलके। तो अभी तो मैं बैठी हूँ, मैं सोचूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, दिमाग इतना भाग रहा है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। लवी भी चला गया मिठाई लाने और मैं समझ ही नहीं आ रहा। तो लवी का बर्थडे भी आने वाला है 2-3 दिनों बाद और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। मैंने सच बोलूँ मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ये बता ही नहीं रहा कि मनाना कहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसे मैं सरप्राइज दूँ, क्योंकि इस बार मम्मी भी है साथ में, तो बस मैं पूछ पूछ के थक गई इसका। पहले एक्चुअली ये था कि एक महीने पहले ये था कि हम दोनों साथ में मनाएंगे और हमारा प्लान था कि मैंने इसको बता दिया था कि मुझे तेरा बर्थडे यहाँ मनाना है एक महीना पहले। फिर जब हमारा प्लान था कि चलो मम्मी आ रही है, दीदी आ रही है, सब आ रहे हैं, तो हमारा प्लान था चलो हम कुछ और कर लेंगे, तब तक हम सोच लेंगे कि क्या करना है सबके साथ, मतलब किस तरह से बर्थडे मनाना है। फिर एक एक करके सबका प्लान कैंसिल हो गया बिकॉज उनके भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी रह गए हम तीन। अब हम तीन के साथ इसी वजह से मैंने प्लान नहीं किया, क्योंकि अगर मैं प्लान करके रख देती और नोबडी वुड शो अप, सो वो पूरा मतलब वेस्ट जाता, खराब जाता। क्योंकि हमारे साथ बहुत बार हुआ और हर किसी के साथ भी होता है कभी कभार कि हम लोग बहुत कुछ सोच के रखते हैं लेकिन वो कुछ नहीं हो पाता इस तरह से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हम तीन कहाँ जाएँ, क्या करें, कुछ नहीं पता हमें। आप लोगों को कुछ आइडिया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखिए कि हम तीन कहाँ जाएँ, किस तरह से बर्थडे मनाएं। जिसका आइडिया अच्छा लगा उनका नाम ले लेंगे या जिस तरह से भी है। तो बस अच्छा आइडिया होना चाहिए कि इस साल किस तरह से लवी का बर्थडे मनाया जाए। बस मैं आया था मिठाई लेने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए, जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए ले लिया, और मैं स्कूटी किसी की मांग के लाया बिल्डिंग से। क्या करूँ यार, तो मिल ही नहीं रहा था तो स्कूटी। मैंने वहाँ पे किसी वो खड़े थे, अंकल खड़े थे, मैंने अंकल क्या बोला तो स्कूटी दे दो, तो मिंट मारा उन्होंने चाबी देने में। ये होता है, हम भी देते थे यार, मेरे से बहुत बार मांग के गए हैं पर मैंने ले लिया। बस मैं आ गया था घर पे, तो सारा सामान मैंने जेब को दे दिया है। अभी मैं चाय नहीं पी के गया, मैंने चल मैं आके पी लूँगा। पहले पप्पा जी का सामान बहुत ज़रूरी है, उनका ताज़ा फ्रूट्स वगैरह सब कुछ। फ्रूट तो सॉरी पहले पड़े थे लेकिन अब तो रोज़ ही माला बदलते हैं उनके हाथ, वो चाहिए था तो वो भी लिया हूँ, सब कुछ लिया। और मेरी मम्मी अभी तक पार्लर में बैठी है, मैनीक्योर पेडिक्योर सब इसने बोल दिया, फेशियल फुशल सब करवा रही है मम्मी। तो चलो ठीक है, करवाने दो उनको। तो उनका भी फेशियल हो चुका है मम्मी का, लेकिन पेडिक्योर मैनीक्योर बाकी है, अभी वो हो रहा है। थोड़ा सा यार उनको ऐसे ना मसाज के थोड़ा थोड़ी थकावट उतर जाएगी, थोड़ा रेस्ट मिलेगा बॉडी को, तो इसी वजह से। वहाँ पे मम्मी पिंड में तो गांव में तो जाती ही नहीं है, उसको अजीब लगता है ऐसी चीज़ें। और मैं थोड़ा सा ऐसा सोचता हूँ नहीं कोई बात नहीं मम्मा, दिमाग को भी रेस्ट मिलती है, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें। और जिन्हों बहुत अच्छी है उनकी बहू है जो उनको सच्ची में ऐसे समझाती है कि नहीं मम्मी आप जाओ, जबरदस्ती मैं लेके गया जेनू के कहने। और मेरा भी दिल था कि मम्मी थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाए, टैन निकल जाती है फेशियल वगैरह से। तो मम्मी तो गई हुई है पार्लर, मम्मी का फेशियल हो चुका है, ब्लीच हो चुका है, सब कुछ हो गया, बस मैनीक्योर पेडिक्योर रह गया। अच्छे से मम्मी भी रेडी हो जाएगी शाम तक, तो बढ़िया मस्त। वहाँ पे पंजाब में तो भूल ही जाती है अपने आप को, वो ऐसे कामों में ना जाती है ना, वो सब बस मैं होता हूँ या जेनू होते जो उनको ले जाते हैं या भेज देते हैं। तो ये मुझे किसका फोन आ रहा भाई, ये क्या कर रही है जी, मेरा बच्चा क्या कर रहा, मेरा बच्चा आया, मेरा बच्चा इधर बैठा, मेरा बच्चा जैकी श्रॉफ घुसा पड़ा क्या तेरे अंदर? अपन का दादा का नाम है जैकी श्रॉफ। अरे वो नहीं, वो मैंने कपिल शर्मा शो देख लिया ना, वो कृष्णा नहीं है कृष्णा, वो कर रहा था उस दिन, ओ जो दादा पता नहीं उसकी जैकी की कर रहा था, तो बहुत क्यूट लग रहा था, मतलब जैकी किया और रियल लग रहा था। हाँ मुझे ना कपिल शर्मा इतना अच्छा नहीं लगता जितना कृष्णा अच्छा लगता, वो बहुत बनता है, वो नहीं पार्लर वाली बनता है तो नहीं क्या, वो सपना पार्लर वाली। तो उस दिन मम्मी को देख रहा था ना, ये भोला और देख रहे थे, तो मैंने भी देख लिया, तब से मेरे चढ़ा हुआ, और एक दिन मैंने पहले भी देखा था। अच्छा हाँ, तब से मेरे और चढ़ गया मुँह पे, मैं मुझे अच्छा लगा था तभी तो मैंने बोले उसको लगा के दिया था मम्मी और उसको। अच्छा, भाई को लगा के दिया था। अच्छा, तो भैया वो तो हंस हंस के दूर हो गए, तभी मैंने फिर मेरे और भी चढ़ गया मेरे मुँह पे, मेरे बच्चा लोग है तुम लोग, ऐसे करता है ना वो कृष्णा, इसलिए।
क्या हुआ, थोड़ी थकी थकी सी है तू? नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं क्या और दूसरी सब्जी क्या बनाऊँ। आलू बैंगन की सब्जी बनाती बना दी। हाँ, हमारी सब्जी भी तो बनाना है ना। तो गाइस, लवी गया है मम्मी को लेने, पार्लर से फोन आ गया था, तो क्योंकि वो नहीं बैठ सकती ना, ज्यादा देर पेन था उनके पीठ पे, तो बस अभी मैंने रख दिया है चाय, वो कभी भी आ जाएंगे। तो मम्मी, आप लोगों को पता है, हाँ मम्मी चाय पीती है, मतलब हमारे जैसे ही हैं, हम बहुत चाय पीते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ। और मैंने बनाए थे आलू के पकौड़े, आलू के पकौड़े बनाए थे मैंने, तो वो हम खा लेंगे चाय के साथ। मैं अभी ना, मैंने फिर से ना, ये देखिए, मैंने फिर से चाय पत्ती नहीं डाला अभी, मैंने सिर्फ पानी रखा। और ये बन रहा है भोजन रात के लिए, गणपति पापा के लिए। इसे बन रहा है आलू बैंगन की सब्जी, ठीक है। और मैं सोचूं मैं दूसरी सब्जी क्या बनाऊं, अगर दूसरी सब्जी नहीं तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं रायता डालूँ या कुछ भी डाल सकती हूँ, मैं देखती हूँ मैं क्या बनाऊं कि नहीं। और अभी तक मैंने हमारे डिनर का नहीं बनाया, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बिजी माहौल हो जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। Oh, yeah.
हैं घर पे आने वाले मेहमान। ऐसा अब भी आई है मेरी स्कूटी, बाप रे बाबा, फिर मैं स्कूटी लेके अंदर खड़ा कर रहा है बिल्डिंग के अंदर, बेचारी मस्त हो गई, नहा धो के आई, ऐसा लग रहा फ्रेश फ्रेश। यहाँ पे ना थोड़ा सा हो जाता ना मतलब बारिशों की वजह से, तो लड़के उनको भी जड़ पकड़ लिया था, इसलिए सब चेंज कर दिया, न्यू न्यू लग रहा है सब। क्या बना रही है? पूरी की सब्जी। ये दिखाया गाइस, हम पूजा में गए थे किसी के, एक ये मिला है, दो हमें ये वेफर्स है, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं कौन सा है, ये स्नैक्स है, और ये भी पता नहीं एक बड़ा पाव मिला था, मम्मी ने खा लिया। हाँ लेकिन वो बहुत स्पाइसी था, बहुत स्पाइसी था। और एक ये मोदक है हमारा, ये चीज मिला था हमें। कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी की बॉटल और कुछ थक गई ना नहीं। आई लव यू। अरे पता कितना प्यारा लग रहा, फूल लगा हुआ पीछे दिखा तो थे मैंने, फूल लगा हुआ बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यार पूरा दिन खत्म होने के बाद मैं बोंद्रा बड़ा हूँ, तारे पूरा दिन कहाँ खत्म हो रहा है, और तो जेने तुम घर पे थक जाती हो, मैं बाहर थक जाती, मेरा भी उतना ही काम रहता है बाबू। और मेरा बच्चा अरे भैया क्या हो, का हो बाबू गुच्छा कर रही है, मम्मी को लगी तो सच्ची में मैं इसके बेटे को मार रही हूँ। मम्मी हमारे बीच में आएगी नहीं, लड़ाई होती ऐसे है ही नहीं कि हम दोनों जितना मर्जी चलाए वो कभी नहीं आएगी हमारे बीच में। वो कहती है अपना मैटर खुद ही सॉल्व करो, मेरे को घड़ीसना नहीं बीच में। कैसे गाना है वो जो नहीं गाना, कहना मां ने दे उस पे ना गणेश जी का वो गाना लगा दे, हाँ दे गीला है, किच्ची कर ले किच्ची कर ले, शर्म कर ले भी। अरे हैंड्स पे यार बार बार बोल रही है, कुछ भी बोल रही है यार, छोटी छोटी होना यार, पूरी पंजाबन लग रही है, कल मराठन लग रही थी पल परसों, कल परसों मराठन लग रही थी, आज पंजाबन लग रही है, अलग अलग रूप है तुम्हारे यार। और रबड़ी भी है ना, मैं दिखाता हूँ, ये देख लो गाइस चॉकलेट वाले मोदक। हमारी बिल्डिंग की है, बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, देखते कैसे करेंगे, ये दोनों अच्छे बना रखा।
गाइज हम लोगों को व्लॉग को एंड करना है, 11 बज चुके हैं, हम ऊपर आ गए, खाना नहीं खाया, अभी खाना खाएंगे। तो कल गणपति बप्पा का विसर्जन है, बिल्कुल। सो थोड़ा दुख भी है, बहुत सैड भी है, लेकिन अगले साल जल्दी आना गणपति बप्पा। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, थोड़ा सा हो जाता ना, जैसे इतने दिन हाँ। कोई गेस्ट रहे घर पे तो मेहमान बन के और दिल फैमिली जिसके साथ हाँ दिल लग जाता, तो फिर एकदम से वो जाते हैं तो उदास हो जाता ना, पूरा घर भी उदास हो रखा है हाँ, ये तो। और हम भी सैड से ही हो गए, तो नेवर माइंड, अगले साल फिर से आएंगे अच्छे से, और अच्छे से स्वागत कर पाए, इतना पप्पा हाँ। हमें इन्हों ताकत दे, इतना हम पे है ना, कहते ना वो क्या बोलते हैं उसको, ताकत ही दे, सब्र दे, उनके वेट कर सके हम। बाकी गाइस अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, एंड शक्कर पारा कर दे रो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।